हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है समर्थ। तो फ्रेंड्स, अगर आप स्टूडेंट हो या आप शॉपकीपर हो या फ्रेंड्स आप ऐसे बंदो भाई जिसे ठंड लगती है मेरी तरह, या फ्रेंड्स आप बिजली का बिल बचाना चाहते हो, पैसे बचाना चाहते हो, तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए है। नहीं वाह, तो फ्रेंड्स देखिए, आप इन तीन डिब्बों को कबाड़ा समझ के फेंक देते हो। फ्रेंड्स अगर आप समर एक्सपेरिमेंट की वीडियो देखते होगे तो फ्रेंड्स आप कोई भी चीज नहीं फेंकोगे कबाड़ा समझ कर। इससे बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बनाए जा सकते हैं अंडरपार्ट्स वर्किंग को सक्सेसफुल। तो फ्रेंड्स यकीन मानिए, आज इस वीडियो में हम एक ऐसा रूम हीटर बनाएंगे फ्रेंड्स, बिजली बहुत कम खाएगा, हीट आपको डबल करके देगा। कैसे वो फ्रेंड्स आपको पता लगे, इन डिब्बों से डबल हीट ले सकते हैं। प्लीज दोस्तों वीडियो कंप्लीट वॉच करिएगा। चलो फ्रेंड्स चलते हैं वीडियो पर। चलिए समर एक्सपेरिमेंट। तो गाइस सबसे पहले देखिए, हमने दो डिब्बे ले लेने हैं। गाइस देखिए, ये डिब्बा बड़ा है और ये छोटा है। देखिए देखिए, इसके अंदर आराम से आ रहा है। चले गाइस फटाफट अभी ना थोड़ा घिस लेते हैं, थोड़ा रंग बिरंगे लग रहे हैं तो फ्रेंड घिस के काफी अच्छे लगेंगे। चलिए लीजिए गाइस, ये चमक चुके हैं। और फ्रेंड्स एक बात क्लियर आपको बता दूं, ये ऑप्शनल है, ठीक है भाई, आपकी मर्जी। आप कलर छुटाइए मत छुटाइए, मत हटाइए, क्योंकि फ्रेंड्स में काफी मेहनत लगती है। अगर आप कलर नहीं हटाओगे तो फ्रेंड्स वैसे भी बाद में ऑटोमेटिक काला हो जाएगा, हीट हो गए। अब चले गाइस फटाफट इसके ये कवर हटा लेते हैं, यानी यहाँ से बिल्कुल आर पार कर देते हैं काट कर। तो गाइस कट करने के लिए मेरे चीजें जिसे छेनी कहते हैं, हथियार, और मैंने भाई इसकी चोंच पे निकल ली है। और अब हम अपनी चोंच बंद रखेंगे और इससे कटिंग करेंगे। कितनी आसानी से कट गई। और भाई सेम इसी तरीके से इसका भी कट कर लेंगे। तो लीजिए भाई, ये अब आपके हाथों में नहीं लगेगा। तो लीजिए गाइस ये हो चुका है। दूसरा डिब्बा कहाँ चला गया? ओ ये रहा हाँ। अब गाइस बड़े बड़े डिब्बे को लेना है और भाई इसमें लगा देना है 6 सेंटीमीटर मार्क। पूरा मोहल्ले ने सुन लिया होगा। अब यहाँ पे लेंगे कोई भी एक टीन कनस्तर की पत्ती, या अगर आपके पास पत्ती नहीं है तो भाई ऐसा कोई भी डिब्बा लेके इसे कट कर सकते हो, उसके शीट बना सकते हो। अब गाइस यहाँ पे लेंगे कोई भी बल्ब होल्डर और भाई ऐसा खोल लेते हैं। ये हमें इसके अंदर फिक्स करना है, तो यहाँ पे हमें होल करना पड़ेगा। लगता है ड्रिल मशीन के पेट में गैस बन रही है, इधर कर लेते हैं। भाई तो हाथ में लगने के चांस। तो गाइस सेफ्टी इज फर्स्ट प्रायोरिटी, भाई पहला दस्ताने पहन लेते हैं वरना कच्चू भी हो सकता है। आई थिंक इतना बहुत है। तो भाई चुपचाप इसे लगा के देखते हैं। हाँ लग गया, चुपचाप काम करना चाहिए। तो भाई यहाँ पे कोई भी लकड़ी का पीस लो। भाई देखिए मैंने छोटा सा डॉट या मार्क लगा लिया है, थोड़ा सेंटर में रखें, चुभो दे इसके और खींच दो लाए, और एक लाइन बिल्कुल मिड में, बस अंदाजा ऐसी, हाँ सर थोड़ा सा अंदाजा जाएगा कि हम कितने कट करनी है। एल है जहाँ को फटाफट कट कर देते हैं। वैसे देखा जाए तो भाई ये डिजाइन भी अच्छा लग रहा है। समर आल कसमत का सही से काट ले, सही से। तो ले गाइस ये बन चुकी है वॉच, हाथ में अभी तो बांध सकते हैं, लेकिन ये भाई किसी और काम के लिए बनाई है। अब यहाँ पर होल्डर लगा सकते हैं हम। बढ़िया, अब यहाँ पे डिब्बे को लेना है और भाई इसके बिल्कुल मिड में देख लेंगे भाई, ऐसे मार्क ला कर चाहे इस तरह से रख सकते हो, पत्थर लगी जाएगी और बोल ये इसके अंदर आना चाहिए। तरीके से करते हैं होल और इसमें दो जगह कर देंगे जिससे घूमे ना। भाई यहाँ पे भी होल कर देंगे। भाई कहाँ जा रहा है? चलेगा तो फटाफट से रोकते हैं। ले जा गाइस, डन डन डन। भाई यहाँ पर करते हैं एक 120 डिग्री का अप्रोक्स, ज़्यादा नहीं, दो तो भाई कहाँ लगा दे मैंने, हाँ तीन होल कर देते हैं। और गाइस अब इस बॉक्स को लेंगे और भाई देखिए ये जो नीचे का लाइन है ना, ये वाली, बस इतना अंदर फिक्स करेंगे और भाई देख लेंगे सही है नहीं है, क्योंकि हम तो वैसे भी गलत है। हाँ ये सही है और भाई ये भी सही है, अंदाजा ना ऐसे ही। ओ माँ इधर से कैसे लगाऊँ? चलो पहले इन पे होल कर देते हैं, उसके बाद में कर लेंगे। भाई फटाफट से फिट करते हैं और लगा दो स्क्रू। ये स्क्रू हम बाद में निकाल लेंगे, और क्यों निकालेंगे आपको पता लग जाएगी, इसलिए
बन रही है। तो गाइस आप चाहो तो इन स्क्रू को निकाल भी सकते हो और लगे बना सकते हो, ये काफ़ी मजबूती इसे प्रदान करेंगे। देखिए और पर स्क्रू को इस तरीके से फिट करेंगे, देखिए ये बिल्कुल बीच के बिल्कुल इक्वल रहे। जैसे यहाँ थोड़ा सा खुल रहा है तो इसे थोड़ा सा टाइट कर देंगे। देखिए ये आगे जगह से थोड़ा सा टाइट है। अब देखा इस यहाँ पे काफ़ी खाली स्पेस लग रहा है, ठीक है इसे हम भरते हैं। भरने के लिए भाई एम सील का यूज़ करेंगे, ये हीट रेजिस्टेंस है, हीट से ख़राब नहीं होगी। तो भाई फटाफट ले लेते हैं पूरी की पूरी टिक्की। तो भाई हो चुकी है तैयार, अब बनाते हैं इसका लोलू सा लोलू। और लोलू लगता है पोटी कर रहा है, चिपका कर तो अंदर दो इस तरीके से। तो सब लो एयर टाइट बनाना है, हवा निकलनी नहीं चाहिए। तो भाई लग तो गई लेकिन ऐसा लगा भाई जैसे खुजली होगी हो। देख सकते कैसे भाई उधड़ा उधड़ा सा यहाँ पे लगा है। तो भाई इसका एक जुगाड़ है, यहाँ पे लेना मस्टर्ड ऑयल जिसे कहते हैं सरसों का तेल। भाई मुझे लगाओ, देखिए ये आपके हाथों में नहीं चिपकेगा। तो देखिए गाइस काफ़ी अच्छी तरह से लग चुका है। तो चलेगा डार्क इसे सनलाइट में रख देना जब तक सूखता नहीं है, लगभग आधे घंटे में सूख जाता है। तो भाई लगभग एक घंटा हो चुका है, ये भी सूख चुका है। चलिए तो गाइस इसे सूख चुका है, देखिए अच्छे से रुक भी चुका है। आप चाहो तो फ्रेंड इसको निकाल सकते हैं, मतलब आपकी मर्जी है। तो भाई मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। अब गाइस यहाँ पे लेंगे इन्वर्टर का एग्जॉस्ट फैन, ये सीपीयू फैन भी कहते हैं जिसे, 8x8 सेंटीमीटर का ये होता है। और भाई दिक्कत ये है कि देखिए ये तो चलेगा फ्रेंड्स सीधा बिजली 220 वोल्ट एसी से, तो फ्रेंड्स ये है 12 वोल्ट डीसी का। तो भाई इसे एसी से कैसे चलाएं, अब भाई कोई ट्रांसफार्मर तो इसमें लगा नहीं सकते, तो फ्रेंड हम ट्रांसफार्मर ले सप्लाई बनाएंगे, टेंशन मत लीजिए। चलिए बताते हैं। अब गाइस हम यहाँ पर कुछ कंपोनेंट चाहेंगे, देखिए अगर फ्रेंड्स ये ना हो, देखिए ये जो है 225 के 450 वोल्ट अगर आपको शायद दिख जाए तो देख सकते, ठीक है अगर आपके पास ये ना हो कोई टेंशन नहीं। 155 के 250 वोल्ट का ये अगर आपको शायद दिख जाए तो देखिए, ठीक है। और फ्रेंड्स ये भी नाम ले 105 kV या 105 jB आप यूज़ कर सकते हो, तो मैं फिलहाल 225 के 450 वोल्ट का यूज़ कर रहा हूँ। देखिए तो गाइस एक कंपोनेंट हो गया जिसे कैपेसिटर कहते हैं, ठीक है। दूसरा पर आ देखिए गाइस, यह है 25 वोल्ट 470 माइक्रोफैरड का एक कैपेसिटर है। और भाई 4007 IN4007 के ये चार डायोड है। और गाइस देखिए यह 470 kΩ का रेजिस्टेंस क्वार्ट वाट में, 470 kΩ, ठीक है। चलिए फटाफट भाई इनका ब्रेक पॉइंट बनाते हैं। गाइस कनेक्शन बहुत इजी है, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखिए गाइस जो सिल्वर की लाइन है, देखिए ये एक साथ मिला दिया है, ठीक है। ये निकला इसका पॉजिटिव, देखिए जो ब्लैक का पार्ट एक साथ मिला दिया, ये निकला इसका नेगेटिव, ठीक है। और बाकी देखिए ब्लैक और सिल्वर देखिए इस तरह से, देखिए ये एसी के हैं और ये दोनों डीसी के हैं। और देखिए ये कैपेसिटर, देखिए जो लाइन है इसके नेगेटिव है, देखिए ये नेगेटिव में लगा दी है। और देखिए ये पॉजिटिव है, देखिए ये पॉजिटिव में लगा दी है। और कैपेसिटर के देखिए ये पैरेलल मैंने एक 470 kΩ का रेजिस्टेंस लगा दिया है। अब गाइस देखिए या तो आप ऐसे लगा सकते हो या ऐसे लगा सकते हो, ऐसे लगा सकते हो या ऐसे लगा सकते हो। देखिए जो सिल्वर और ब्लैक पार्ट है, सिल्वर और ब्लैक कोई सा भी लगा सकते हो इसमें या इसमें। प्लीज गाइस सारे कनेक्शन हो गए, मैंने आपको फैन की करके दिखा दी, देखिए आपको बता दूँ। देखिए गाइस ये नेगेटिव है जो फैन का नेगेटिव है, जो कैपेसिटर वाला है, ठीक है। ये पॉजिटिव है, देखिए जो सिर्फ दो लाइन मिली हुई है। और बाकी देखिए एक एसी का ये रहा और देखिए एक एसी का ये रहा जिसमें हमने लगाया दिया है। तो भाई इसके सप्लाई के कनेक्शन पूरे चुके हैं, चले गए मैं आपको फैन चला के दिखाता हूँ। तो गाइस ये रहा बोर्ड और भाई देखिए बिल्कुल आपके सामने लाइव है, देख सकते हो, हाँ काफ़ी अच्छा आ रही है, बढ़िया। ये डायरेक्ट 220 वोल्ट एसी से चल रहा है और चलता रहेगा, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन गाइस दिक्कत है भाई, सर लगाए किधर, इधर लगाएं जहाँ पर करंट आए, जिससे फ्रेंड्स ये हमारा हीटर सेफ रहे। चलो वैसे कुछ जुगाड़ करते हैं, पहले मैं इसकी जितनी भी कनेक्शन है सब हटा लेता हूँ, बाद में कनेक्शन हो जाएंगे। कनेक्शन आपने देख ही लिए हैं, तो इसका कोई बॉक्स वॉक्स देखते हैं कहाँ पर इसे लगाना है। फ्रेंड्स एक बात और, इसमें एसी करंट आता है, प्लीज़ हाथ पर लगाए करंट लगेगा, 100% लगेगा आपको बता रहा हूँ। तो इसलिए इसे ऐसी जगह फिट करें जहाँ फ्रेंड्स आप इसे टच ना कर सको। तो भाई इसे फिट करने के लिए मैंने जुगाड़ निकाला, देखिए ये 1 इंच का पीवीसी का पाइप है, 25 mm का, देखिए इसके अंदर आराम से फिट आ गया। फ्रेंड्स पाइप की खासियत अगर आप जलाओगे तो जलेगा नहीं, चलिए आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। देखिए बिल्कुल काला पड़ जाएगा, देखिए कितनी देर होगी, देखिए बस जलेगा नहीं। वैसे फिलहाल दोस्तों हम इसे बाहर रखने वाले हैं, भाई आते हैं इस पर, देखिए इसका वायर जलने का खतरा है। तो भाई ये फाइबर से लिए और ये बहुत ईजी आपको मोटर वायरिंग शॉप पर मिल जाएगी, 1 रुपये या 2 रुपये की पूरी 1 मीटर की आती है।
अब ये थोड़ा सेफ रहेगा देखिए इस तरीके से। तो गाइस यहाँ पे लगाते हैं भाई इस फैन को, और यहाँ मैंने मार्क लगा दिए हैं, फटाफट करते हैं होल। बिल्कुल फिट। तो चले गए फटाफट भाई इसके कनेक्शन करते हैं। और देखिए पावर देने के लिए मैं कॉपर की अच्छी लीड का यूज़ कर रहा हूँ, जो कि मेन लीड है देख सकते हो। और भाई दो वायर के पीस अलग से ले लिए हैं, जिससे कि फैन को हम पावर दे सकें। इसमें लगाते हैं डायरेक्ट। तो देखिए इसमें दो वायर कनेक्ट कर दिए हैं, और भाई ये लगाने सीधा आपको होल्डर में निकल जाएगा इजीली। तो इसमें लगाते हैं सीधा पहले, और अगर गांठ लग जाए इसमें तो, जो कि आई थिंक लग जाएगी, इससे मजबूत रहेगी, वो निकल के नहीं भागेगा वायर बार बार। तो भाई इसमें अच्छे से गांठ लग चुकी है, और देखिए अंदर से लगा देते हैं सीधा, बस अब होल्डर में लगा देते हैं। चलिए इसे खींचते हैं भाई। और गाइस देखिए जब हीट होगा तो भाई ये वाला वायर भी जलने का पूरा पूरा खतरा है। तो गाइस ने मैंने पहले ही फाइबर सीरीज में लगा दी थी, अब भाई बिल्कुल सेफ है, कोई टेंशन नहीं होगी। देखिए और भाई ये बिल्कुल इसके अंदर ही करती है। देखिए चलो भाई अब लगाते हैं सीधा फैन, इस तरीके से ये दब भी जाएगा और निकलेगा भी नहीं। तो भाई यहाँ तक हो चुका, अब आते हैं इस फैन के कनेक्शन पर। तो गाइस ये रहा डिब्बा, ये डिब्बी जो भी है, और भाई इसमें सीधा फैन के बाहर डालते हैं और इसके कनेक्शन करते हैं। बोले गाइस देखिए इसके भी कनेक्शन हो गए कंप्लीट, और भाई इसे इसके अंदर कर देते हैं डायरेक्ट। देखिए आराम से चला गया इसके अंदर, भाई इस डिब्बी को सीधा बंद कर देते हैं। तो देखिए गाइस ये डिब्बी बिल्कुल कैपेसिटर की तरह लग रही है, और इसे मैंने बिल्कुल देखी मैं लीड के साथ कनेक्ट कर दिया, यानी कि टेपिंग कर दिया, भाई कहीं नहीं जाने वाला। तो गाइस वैसे तो ये कंप्लीट हो चुका है, लेकिन भाई आप इसे ऐसे थोड़ी चलाओगे, इसे थोड़ा सा टेपर में उठाना तो पड़ेगा, तो भाई इसका भी कुछ ना कुछ देखना पड़ेगा क्या करते हैं यहाँ पर। तो गाइस मैंने कुछ इस तरह की पत्ती बैंड कर ली है, ये टिन क्रस्टर जो था उसकी पत्ती है। तो भाई देखिए आप जितना मर्जी उठा सकते हो अपने हिसाब से। देखिए तो मैंने थोड़ा सा नीचे लगाया है, देखिए यहाँ पर लग जाएगा। और गाइस ये रहे स्क्रू, और भाई इसमें देखिए इस जगह यहाँ लग जाएंगे, ये तो बिल्कुल ऐसा रहता है डिस्को लाइट होती है। तो भाई ये तो काफ़ी ज़्यादा एंगल में हो गया है, देखिए आप जितना मर्जी अपने हिसाब से कर सकते हो। देखिए और देखिए बिल्कुल चाहते ऐसे भी कर सकते हो, देखिए बिल्कुल फिट है देख सकते हो। चलेगा फटाफट अब इसमें बल्ब लगाते हैं। तो लीजिए गाइस ये तीन तरह के बल्ब हैं, है तो खैर दो तरह के ही। देखिए ये 100 वाट का छोटा बल्ब आप देख सकते हो, और भाई ये दोनों हैं 200 वाट के, ये भी 200 वाट का है, ये भी 200 वाट का है। चाहे तो फ्रेंड्स आप इस पर देख सकते हो, देखिए बस दो साइज का फ़र्क है देख सकते हो। देखिए तो गाइस आप चाहते छोटा बल्ब या बड़ा बल्ब लगा सकते हो, चलिए मैं इसे ट्राई करता हूँ। ये भी 200 वाट का ही है, और भाई आराम से देखिए यहाँ पास चला जाएगा, और बहुत ही तसले देखिए बल्ब लग गया, आप इसे निकाल सकते हो, आराम से लगा सकते हो बड़ा या छोटा कैसा भी। तो गाइस ये तो काफ़ी परफेक्ट आ गया है, इसे निकालते हैं, और भाई थोड़ा बड़ा साइज का लगा देखते हैं, ये और भी आसानी से लग गया है क्योंकि ये बिल्कुल बाहर आ गए। देखिए बिल्कुल आसानी से लग गया है, और भाई इसे निकालता हूँ, निकल जा प्लीज़। देखिए और भाई ये बिल्कुल छोटा 100 वाट का। देखिए अगर किसी बच्चे के सामने रखना हो हल्का फुल्का हीट चाहिए, तो फ्रेंड्स आप 100 वाट का बल्ब लगा सकते हो, ये बल्ब भी काफ़ी हीट जनरेट करेगा। लेकिन फ्रेंड्स भाई हम थोड़ा सा बड़ा लगाने वाले हैं, चलिए 200 वाट का बल्ब लगा देते हैं। अब देखा इस काम कैसे करेगा, देखिए बल्ब जलेगा, ये पूरा का पूरा बॉक्स हीट होगा, लोहे का है तो फ्रेंड्स और ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, चलते चलते जितने तेज जलेगा उतना ज़्यादा हीट होगा, और आराम से आपको हीट देता रहेगा। और गाइस ये जो फैन है ये आपको हवा देता रहेगा, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए जो आउटपुट देगा बिल्कुल गर्म हीट हवा निकलेगी। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी सस्ता जुगाड़ है, आप तो फ्रेंड्स यहाँ पर फैन मत लगाइए, ठीक है। देखिए ये डिब्बे तो फ्री हैं, सिर्फ आपका बल्ब 20 रुपये का आना है, 10 रुपये का होल्डर आना है, सिर्फ 25-30 रुपये का आपको एक काम हो गया है। फिर भी अगर दोस्त आप लगाते फ्रेंड आप फैन को लगा सकते हो। चलेगा फटाफट इसकी टेस्टिंग पर आते हैं। भाई ये रहा बोर्ड, और देखिए देखो भाई अभी से हीट लग रही है, हाँ हीट लग रही है। पहले देखते फ्रेंड्स कितनी हवा ये दे रहा है, देखिए मैंने पकड़ रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेंड्स मैंने सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा है, देखिए यहाँ पर हर जगह फायर स्विच लग रही है, आपको वायर कहीं नहीं जाने वाला, कहीं मेल्ट नहीं होगा, आराम से घंटों यूज़ कर सकते हो। देखिए देखिए गाइस ये पॉलिथीन, देखिए हवा आराम से आ रही है, देखिए 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 अब नहीं आ रही, देखिए ठीक, यानी फ्रेंड्स हवा दे रहा है, ठीक है चलिए रखते हैं साइड में। अब देखिए गाइस आप टेम्परेचर देख सकते हो 22.7, और भाई देखिए मैं इसे इसके आगे लगाता हूँ, और इसे इस तरीके से रखता हूँ जिससे फ्रेंड्स आपको दिख जाए, शायद दिख रहा होगा। देखिए देखिए फ्रेंड्स आपके सामने लाए हुए, मुझे भी नहीं पता कितना हो रहा है, 27, देखिए इससे बढ़ रहा है। देखिए देखिए फ्रेंड्स इसके सामने रखा है, देखिए 28.9, देखिए 30.7 देख सकते हो। चलो फ्रेंड मैं थोड़ी स्पीड फास्ट कर देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ।
देख सकते हो गाइस 56.1 डिग्री सेल्सियस गाइस, अभी भी टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा है, देख सकते हो गाइस। तो गाइस जैसे आप देख सकते हो कितना अच्छे टेम्परेचर दे रहा है, और भाई देखिए ये तो भाई काफी हीट हो रहा है, फिर बल्ब बहुत जल्दी हीट हो जाता है। गाइस देखिए ये कितनी पावर कंजप्शन लेगा, देखिए गाइस 200 वाट का तो बल्ब हो गया और 5-10 वाट का हमें सप्लाई मान लीजिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स जैसे एक यूनिट लेगा वो भी 5 घंटे में, तो फ्रेंड्स आप लगातार चला सकते हो, रात में दिन में आप इसे चला सकते हो, मैंने सेफ्टी का पूरा का पूरा ध्यान रखा है। तो फ्रेंड्स काफी अच्छी चीज है, और भाई काफी हीट ही हो रहा है, और आराम से आप इसे देखिए नीचे से हीट नहीं हुआ है, देखिए आराम से आप अपने सामने रख सकते हैं। देखिए अगर आप फ्रेंड्स शॉप पर बैठते हो या आप स्टूडेंट हो पढ़ते हो, तो फ्रेंड आप अपने सामने रखिए और आप आराम से इससे देखिए हीट ले सकते हो, बहुत अच्छी हीट दे रहा है। देखिए फ्रेंड आप इसे कंटिन्यू चलिए, बहुत कम बिजली लेता है और कोई दिक्कत नहीं हो फ्रेंड, बिल्कुल सेफ 100%, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। देखिए देखिए पीछे से देखिए ठंडा है, और भाई आगे से क्योंकि हीट है फ्रेंड, देखिए आगे से हीट होना अच्छा है, देखिए क्योंकि फ्रेंड पीछे अगर ठंडा रहेगा जैसे हवाई को, देखिए आगे से हीट होगा तो फ्रेंड आपको गर्म हवा मिलती रहेगी। और फ्रेंड्स मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था डबल हीट देगा, कैसे फ्रेंड देखिए एक तो बल्ब आपको हीट दे रहा है, ठीक है, ऊपर देखिए जो टीन है, देखिए जो लोग पूरी बॉडी इसकी हीट हो रही है, तो फ्रेंड्स हीट होता है जितने देर चलेगा उतनी छीट आपको मिलती रहेगी। और फ्रेंड्स आप इसे किसी बच्चे के सामने भी यूज कर सकते हो, लेकिन भाई प्लीज थोड़ा सेफ्टी के साथ, आप वहां बैठ रहे उसके साथ जो आप जाए तो इसे लेके जाए, देख दोस्तों बच्चों की पहुंच से दूर रखें, वैसे करंट नहीं मार रहा है। देखिए मैंने आपके सामने पकड़ रखा, देख सकते हो, और देखिए फ्रेंड्स आवाज बहुत कम है, बिल्कुल साइलेंट हीटर है। देखिए देखिए क्योंकि फ्रेंड्स माइक बिल्कुल मेरे पास है, देखिए तो आपको थोड़ी सी आवाज आ रही होगी, तो फ्रेंड देखिए काफी अच्छा वर्क कर रहा है, और इन्हें मेरी गर्दन थोड़ी सी हीट कर दी है, मैं थोड़ा सा परवर रख देता हूँ, अब थोड़ा ठीक है। और गाइस इसकी सबसे खास बात ये काफी लाइट है, देखिए मैं थोड़ा पीछे से पकड़ ले, देखिए और गाइस इसमें मैंने कोई स्विच नहीं लगाया, आप चाहे लगा सकते हो, लेकिन भाई वो अलग से झंझट होगा, यहाँ पर आपको कटिंग करनी होगी, तो भाई सबसे बढ़िया देखिए बंद, कोई टेंशन नहीं है, चालू। तो फ्रेंड्स काफी देर से मैं चला रहा हूँ, देखिए अब भी चल रहा है और काफी हीट हो गया है। तो फ्रेंड्स आई होप ये सिंपल जुगाड़, सस्ता जुगाड़, 100% वर्किंग फ्रेंड्स आपको अच्छा लगा। प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और भाई जरूर बताएं ये जुगाड़ आपको कैसा लगा।